हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, अभी हम पेपर सिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर सिक्स का आंसर अभी तक हमने ये अपलोड नहीं किया था, तो ये आप इससे मिला सकते हैं आपका कितना सही हो रहा है। बीपीएससी ए 1/2019 का पेपर सिक्स का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक है। और पेपर 5, 4 और 3 ये तीनों करा चुके हैं। इंग्लिश का भी हम कराएंगे ताकि आप ये देख लीजिए कि इंग्लिश में मेरा मिनिमम मार्क्स आ रहा है कि नहीं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 33, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर सिक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या बोला? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन हाउस वाटर कनेक्शन, ठीक है। तो हाउस वाटर कनेक्शन में सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले फेरुल होगा, इसके बाद गोजनुक होगा, सर्विस पाइप होगा, स्टॉप कॉक होगा, इसके बाद सबसे लास्ट में जो होगा वाटर मीटर होगा। इस तरह का जो है हाउस वाटर कनेक्शन में इस तरह का सीक्वेंस दिया जाता है। तो इसका आंसर सी, अब सी इसका टिक लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं द मास कर्व मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर यूजेस, ठीक है। तो मास कर्व मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो वाटर इनफ्लो डाटा यूज करते हैं और वाटर डिमांड डाटा यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, वाटर इनफ्लो डाटा एंड वाटर डिमांड डाटा, ठीक है। जो भी हम आंसर बता रहे हैं, हो सकता है इसमें कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर इरर हो, या फिर बाय मिस्टेक आप लोग का दूसरा आ रहा होगा। ऐसा तो मतलब बीपीएससी भी खुद अगर करेगा तो भी वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करता ही है। तो हो सकता है अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप इसका कमेंट करके जरूर बताइए विद एक्सप्लेनेशन कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, मतलब कौन इसका आंसर हम किसमें इसमें किसका गलत बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द रॉन्ग एम्पिरिकल फार्मूला नेम फॉर कंप्यूटिंग द पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज। तो पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज के लिए रिव्स फार्मूला तो यूज होता ही है, डिकेंस फार्मूला भी यूज होता है, नवाब जंग बहादुर फार्मूला भी यूज होता है, लेकिन ये नहीं यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा वेन टी चाओ फार्मूला, इसका तीसरा का आप ये लगाइएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक फार्मूला इज नॉट यूज फॉर डिटरमाइनिंग फ्लो वेलोसिटी इन सीवर्स एंड ड्रेन। तो सीवर्स और ड्रेन में कौन सा फार्मूला यूज नहीं होता है? तो हम लोग कटर्स फार्मूला यूज करते हैं, क्रिम्स एंड बर्क्स फार्मूला भी यूज करते हैं, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, हॉर्टन्स फार्मूला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ ए बेड ऑफ क्रश स्टोन ग्रेवल और ए स्लैज ऑफ रिलेटिवली लार्ज साइज, ठीक है। तो ये सही है, अ सीवेज पासेस थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर एनर्जी और ऑर्गेनिक फिल्म इज फॉर्म अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ फिल्टरिंग मीडिया, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में। आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और अ स्टेटमेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, इन ए टू चैम्बर सेप्टिक टैंक द फर्स्ट चैम्बर इज एग्रिड चैम्बर एंड द सेकेंड चैम्बर इज एनारोबिक चैम्बर, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। इन ए टू स्टोरेज सेप्टिक टैंक द टॉप स्टोरेज इन द ग्रिड चैम्बर वेल द अदर इन द एनारोबिक चैम्बर। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मॉडर्न सेप्टिक टैंक पोसेसेस अ सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। देखें अभी हम लोग उसमें, उसके पास जो सेप्टिक टैंक अभी अब आ रहा है उसमें सेल्फ अपने आप जो हो रहा है और क्लीनिंग का प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। उस तरह का बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, इसका क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रिंगल हो जाएगा। द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम जो होगा राइट एंगल ट्रिंगल हो जाएगा। वॉट इज अ कलवर्ट? तो ब्रिज ऑफ अ स्पैन अप टू 6 मीटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलवर्ट बोलेंगे। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, 2 6 मीटर तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वियर इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वेयर मेजोरिटी और द इंटायर पॉन्डिंग इज अचीव बाई रेजिंग द क्रेस्ट एंड स्मॉलर पार्ट और नील पार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए क्यू क्या बोला। वियर क्या है? एक तरह का सिर्फ स्ट्रक्चर है जो कि चैनल के विड्थ में कंस्ट्रक्ट हो जाता है, वियर हो जाता है। तो इसका क्यू जो है वो सही हो जाएगा। एक बैराज जो होता है वो आपका उसमें शटर वगैरह लगाया रहता है, गेट लगाया रहता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस भी सही है। तो क्यू देखिए, यहाँ पे सिंपली हम वियर में देख लेंगे, तो वियर में सिर्फ एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो कि विड्थ के अलोंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है वियर। और बैराज क्या होता है? एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिसमें कि
सटर वगैरह चिप जो है, सटर और स्मॉल पार्ट ऑफ नील, ये जो है ये अप्रोप्रिएट लगाया रहता है उसमें, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पी क्यू एंड एस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू एंड एस, पी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अ सिल्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड, सिल्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, वाइल सिल्ट इजेक्टर आर कंस्ट्रक्टेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्ट जो एक्सक्लूडर होता है ऑन द बेड ऑफ द ऑफ टेकन कैनाल और ऑन द बेड ऑफ द रिवर, ये इसका सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अ डिस्चार्ज दैट इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एंड फिक्स्ड विद इन द लिमिट, ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स डिस्चार्ज दैट इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एंड फिक्स्ड, इसमें से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा मॉडुलर आउटलेट्स जो होता है वो आपका रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एंड फिक्स्ड विद इन द लिमिट्स होता है, तो मॉडुलर आउटलेट्स हो जाएगा। व्हाट आर द बेड बार्स, बेड बार क्या होता है, एक सुटेबल इंटरवल पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अलॉन्ग एन अनलाइंड कैनाल सो एज टू सर्व द परमानेंट रेफरेंस मार्क्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एज्यूमिंग 80% इफिशियंसी, 100 MQ/s ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज एंड 100 m ऑफ डिजाइन, एट व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होता है इफिशियंसी जो GHQ, ये होता है इसका आंसर, मतलब पावर निकालने का फॉर्मूला होता है, तो इफिशियंसी इक्वल्स टू 0.80, जी का वैल्यू 10 हम ले लेते हैं, एच का वैल्यू हम क्या लेंगे, एच का वैल्यू 100 ले लेंगे और Q का वैल्यू भी 100 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.8 है, तो 1 3 4 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, ये क्या है, ये किलो वाट में आता है, ठीक है, इसको अगर आप वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 8000 × 10^3, ठीक है, 2 1 3 0 1 4 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 0 × 10^3, 4 और 3 कितना 0 हो जाएगा, 7, तो यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा, 7 0 हो जाएगा, ठीक है, 3 0 तो पहले से है किलोवाट में है, 4 0 पहले से है किलोवाट में है, सिंपली ये फॉर्मूला आप लगाइए ना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, P% ऑफ अर्थ डैम फेलुअर आर ड्यू टू हाइड्रोलिक फेलुअर, ठीक है, पी जो है आपका हाइड्रोलिक फेलुअर के बारे में दिया हुआ है, क्यू जो है Q% ऑफ अर्थ एंड फेलुअर आर ड्यू टू सीपेज फेलुअर, और आर जो है वो आपका स्ट्रक्चरल फेलुअर है, तो उसे हमेशा याद रखिए कि जो स्ट्रक्चरल फेलुअर होता है वो कम होता है, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर जो बनाते हैं हम लोग हमेशा सेफ ही बनाने की कोशिश करते हैं, सेफ एंड सर्विसेबल बनाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा तो 40, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ये 33 होगा और ये 25, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये तो सिंपली सबको पता होगा कि एक्वाडक्ट में क्या होता है, जो ड्रेन होता है वो ऊपर रहेगा, सॉरी कैनाल जो है ऊपर रहेगा और ड्रेन जो उसके नीचे रहता है, ठीक है, कैनाल ऊपर रहेगा और ड्रेन जो इसमें नीचे नीचे देगा उसको एक्वाडक्ट बोलेंगे, लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन में क्या देता है, कैनाल बिलोज द ड्रेन, मतलब जो ड्रेन ऊपर में है, ठीक है, कैनाल नीचे में है, ठीक है, तो ये आपका एक्वाडक्ट नहीं होता है, इन एक्वाडक्ट, ये आंसर गलत हो जाएगा, और द ड्रेन फ्लोज बिलो द कैनाल इन एक्वाडक्ट एंड साइफोन एक्वाडक्ट एंड द ड्रेन फ्लोज अबोव द कैनाल इन सुपर पैसेज एंड साइफोन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, देखिए द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए मॉड्यूल इज डिफाइंड एज, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है मॉड्यूल का, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, ये इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। लेसी मीटर, ये तो सभी को पता होगा कि लेसी मीटर हम लोग इवापो ट्रांसपिरेशन मेजर करने के लिए करते हैं लेसी मीटर। अब देखिए, वाट आर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ कैचमेंट एरिया अप्लीकेबल इन द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राम, तो देखिए इसका अपर लिमिट 5000 km² होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ जब हम लोग बनाते हैं तो अपर लिमिट जो होता है 5000 km होता है और जो आपका लोअर लिमिट होता है 200 km² होता है, ठीक है, तो 200 और 500 km² दिया तो नहीं है, ये हेक्टेयर में दिया हुआ है, तो × 10^4 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज यूज इन रिवर फ्लो मेजरमेंट, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, ये भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी मीटर और पिक मीटर करंट मीटर, ये भी हम लोग यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर चैनल फ्लो राउटिंग। तो चैनल फ्लो राउटिंग के लिए हम लोग मस्किंगम मेथड यूज करते हैं। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि मस्किंगम मेथड जो होता है वो चैनल फ्लो राउटिंग, हाइड्रोलॉजिकल राउटिंग, उसके लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग का जल्दी जल्दी देख लीजिए, अब समझाने का क्या है, एग्जाम देने के बाद समझने का थोड़ा सा भी इच्छा नहीं करता है। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, इसलिए सोचता है आदमी देख लेते किसी तरह, तो इसलिए आप पहले देख ही लीजिए, मिला लीजिए, इसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन देखते रहिए। एक्सप्लेनेशन वाला भी वीडियो हम डालेंगे। फाइंड द डेल्टा फॉर ए क्रॉप व्हेन द इट्स ड्यूटी, ड्यूटी दिया हुआ है आपका, सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 8.64 इंटू बी डिवाइडेड बाई डी, ये फॉर्मूला लगाइएगा तो 120 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लेने क्रेडिल फॉर क्रेडल फॉर्मूला इज यूज फॉर, ठीक है, किसके लिए यूज होता है? तो ब्लेने क्रेडल फॉर्मूला जो है वह आपका रिजर्वायर इवापोरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, रिजर्वायर इवापोरेशन के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इफ द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ए रिवर इज 2 मीटर। ठीक है, हाइड्रोलिक जो रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप बेड ऑफ द चैनल 0.00001 दिया हुआ है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल्स ऑन द बेड ऑफ द रिवर। तो इसका सिंपली फॉर्मूला होता है 11 RS होता है। ठीक है, 11 RS होता है, तो इससे आप अगर कैलकुलेट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 2.36 mm के अप्रोक्स मिलेगा, अबाउट वर्ड ये जोड़ दिया है इसलिए हम 2.36 ही मार देंगे। इसका आंसर 11 RS ये वाला फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। ठीक है, 11 RS इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालिएगा तो कितना आएगा, देखिए ना, 11 × 2 × 0.001, तो 11 × 22 है, मतलब 2.2 के अप्रोक्स आ रहा है, तो हम अबाउट वो 2.36 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, अबाउट लिखा ही हुआ है। तो नेचुरल रिवर इन ए कन्वेइंग फ्लो ऑफ 2500 क्यूबिक मीटर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेटेड पैरामीटर, तो डायरेक्टली फार्मूला लगा दीजिएगा 4.75√Q, ये फार्मूला आप लगाइएगा तो आपको आंसर इसमें मिलेगा 237.5 मीटर। ये तो सभी को बना दिए होंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉमनली यूज फॉर स्पेसिंग डिजाइन ऑफ टाइल ड्रेनेज सिस्टम इज कॉल्ड, तो टाइल ड्रेनेज सिस्टम के लिए हम लोग कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं टाइल ड्रेनेज सिस्टम के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हॉगडॉट्स इक्वेशन हो जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्राउंड वाटर फ्लो इज एनालाइज्ड बाय, ग्राउंड वाटर फ्लो हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं? डार्सिस लॉ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, डार्सिस लॉ, उसी से हम लोग ग्राउंड वाटर फ्लो हम लोग करते हैं, डार्सिस लॉ, क्योंकि लेमिनार फ्लो में होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला फॉर्मूला 1.76 टिल्ट फैक्टर, 1.76 रूट अंडर डी होता है, तो 1.72 दिया हुआ है, 1.75 दिया हुआ है, 1.77 दिया हुआ है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, कोई नहीं होगा क्योंकि 1.76 होता है। आर्मिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, आर्मिंग क्या होता है, कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल्स फ्रॉम द रिवर बेड सरफेस लिविंग ओनली द लार्ज साइज पार्टिकल ड्यूरिंग सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जनरल मोबाइल बाउंड्री चैनल कैन बी कंसिडर्ड टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो जनरल मोबाइल बाउंड्री के लिए हम लोग कौन सा कंडीशन, डेप्थ ऑफ फ्लो होता है, चार टाइप का होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो, बेड स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप और प्लेनिफॉर्म, प्लेनिफॉर्म मतलब लेआउट होता है। ठीक है, तो ये चारों होगा, डेप्थ होगा, बेड विड्थ होगा, स्लोप होगा और प्लेनिफॉर्म भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्टी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है ये क्वेश्चन में, तो आप सिंपली ये याद रखिएगा कि जो अल्टरनेट डेप्थ है इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फोर्स इक्वेशन, अल्टरनेट डेप्थ जो होता है वो स्पेसिफिक फोर्स इक्वेशन से, नहीं सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा अल्टरनेट डेप्थ जो होगा वो स्पेसिफिक एनर्जी से रिलेटेड है, अल्टरनेट डेप्थ जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, स्पेसिफिक एनर्जी से रिलेटेड है, एंड सिक्वेंट डेप्थ जो है स्पेसिफिक फोर्स है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए बी नहीं होगा, इसका आंसर बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अल्टरनेट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशन एंड सिक्वेंट डेप्थ रिलेटेड टू स्पेसिफिक फोर्स इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए क्रिटिकल फ्लो में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 31, क्रिटिकल फ्लो थ्रू अ चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है और स्पेसिफिक फोर्स भी मिनिमम होता है फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, व्हाट इज द
व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो का क्या क्वालिफिकेशन है। तो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, स्लोप ऑफ जो एनर्जी लाइन होता है और स्लोप ऑफ वाटर सरफेस और स्लोप ऑफ द चैनल बेड, ये तीनों इक्वल होता है। आपका एनर्जी लाइन हो गया, वाटर सरफेस लाइन हो गया और चैनल बेड, ये यूनिफॉर्म फ्लो में तीनों इक्वल होता है। तो इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। फॉर एन ओपन रेक्टेंगुलर चैनल द फ्रॉड नंबर इज एट क्रिटिकल फ्लो इज, तो फ्रॉड नंबर क्या होता है ओपन क्रिटिकल के लिए वन होता है, क्रिटिकल के लिए कितना होता है फ्रॉड नंबर, वन होता है। ठीक है, क्रिटिकल के लिए वन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें बोल रहा है रेक्टेंगुलर ओपन चैनल हैविंग वेट विड्थ 2 मीटर इज लेड एट ए बेड स्लोप ऑफ -0.009 एंड कैरीज ए फ्लो ऑफ 10 क्यूबिक मीटर, व्हाट इज इट्स नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो देखिए ना, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो निकालने के लिए डिस्चार्ज दिया हुआ, तो 1/n इनटू r टू द पावर 2/3 इनटू s टू द पावर 1/d, ये वेलोसिटी हो गया, अच्छा सॉरी इनटू एरिया, ये एरिया इनटू वेलोसिटी होता है ना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 1/n इनटू r के पावर 2/3 इनटू s टू द पावर 1/2 इनटू एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इससे हम लोग निकालेंगे तो s का वैल्यू -0.009 दिया हुआ है, ठीक है, -0.009 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस चैनल, ये इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये तो डायरेक्टली फार्मूला दिया हुआ है, y2/y1 -1√1+8f(r1) का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये डायरेक्टली ओपन चैनल फ्लो का रेक्टेंगुलर में डायरेक्टली फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एस जीरो एस नॉट माइनस एफ एस एफ डिवाइडेड बाई 1 - α f(r²। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, आप इसका ये आंसर टिक करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, ए क्रिटिकल फ्लो के लिए क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल्स टू ए क्यू बाई टी होता है, ठीक है। तो इसका आप निकालिएगा तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। द मोस्ट इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन इज द, इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जिसका कि मिनिमम वेटेड पैरामीटर होता है, ठीक है, वो मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, विड्थ ऑफ द कैरिज वे रिकमेंडेड बाय द IRC फॉर 2-लेन रोड विद रेस्ड कर्व, तो इसका आंसर 7.5 मीटर हो जाएगा रेस्ड कर्वे के लिए। ये वाइल अलाइनिंग अ रोड इन ए हिली एरिया विद ए रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6.5% एंड हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 60 मीटर encountered, find the compensated gain. तो इसका फॉर्मूला होता है 75 by r divided और 30 + r/r, यही होता है ना सर, ठीक है, 75 by r divided by 30 + r/r, यही होता है। तो इससे आप निकालिएगा तो 1.25 होता है और इससे आप निकालिएगा तो 1.5 होगा, ठीक है। तो ये दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको लेते हैं, तो मिनिमम वैल्यू 1.25 है, तो 6.5 -1.25 करिएगा तो 5.25 आएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द PCU वैल्यू ऑफ ब्लॉक कॉर्ड एज पर रिकमेंडेशन मेड बाय IRC, तो एक्चुअली 6 होता है लो के लिए और 8 होता है आपका लार्ज ब्लॉक कॉर्ड के लिए, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, वन पैसेज ऑफ एन ओवरलोडेड व्हीकल विथ 3 times द स्टैंडर्ड लोड विल कॉज डैमेज इक्विवेलेंट टू n पैसेंजर ऑफ द स्टैंडर्ड लोड, तो n क्या होगा, देखिए इसमें फोर्थ लॉ यूज होता है, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4 × n हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो इसका आंसर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, सर्कुलर लोड ऑफ रेडियस ए विथ यूनिफॉर्म प्रेशर पी, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा जेड अंडर द सेंटर ऑफ लोड एट डेप्थ जेड इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, सिग्मा जेड इक्वल्स पी इंटू 1 - ZQ/A² + ZS² / 3/2, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, तो बी इसका आप इसका टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, बेसिक कैपेसिटी पॉसिबल कैपेसिटी और ट्रैफिक फ्लो, इसके बारे में आपको बताना है, बेसिक कैपेसिटी पॉसिबल कैपेसिटी और ट्रैफिक फ्लो। तो सबसे पहले आप देखिएगा ट्रैफिक फ्लो जो होगा, तीसरा नंबर से ट्रैफिक फ्लो जो होता है, तीसरा जो नंबर है ट्रैफिक फ्लो,
ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑन अ गिवन टाइम और लेन रोड दैट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ लीडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आप सी 44 का सी लगाइएगा, 44 का आप क्या लगाइएगा, सी आंसर लगाएगा। इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप सी ही अभी मानिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये सब क्वेश्चन जो डाटा ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और बीपीएससी क्या दे रहा है वो देखना पड़ेगा। 45 का देखिए, 45 का जो आंसर हो जाएगा, पेनेट्रेशन ग्रेड ऑफ बिटुमिन बाइंडर दिया हुआ है और इक्विवेलेंट विस्कोसिटी ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 से 100, 70 से 80 और 60 से 70 और 30 से 40, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, VG 80, VG 70, 60 और 30, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का ग्रेड में हम लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। एग्रीगेट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, देखिए यहाँ पे बिटुमिनस मैकाडम बेस कोर्स के लिए, बेस कोर्स के लिए कितना होता है, तो इसमें भी हल्का फुल्का कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन है, तो एक्चुअली इसका आंसर हम लोग सी अभी देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अभी कन्फ्यूजन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो 46 का आप सी बीपीएससी पे छोड़ दीजिए पूरा तरह से, सी सी ही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए बीपीएससी क्या देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। देखिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, इससे डायरेक्टली दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ का लॉग ई पी एस माइनस पी और माइनस लॉग ई पी एस माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस के इंटू पी एस इंटू टी, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस द मिनिमम टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन फॉर ए टाउन और सिटी विथ फुल फ्लशिंग सिस्टम, देखिए फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं दिया रहता तो इसका आंसर ए होता, लेकिन फुल फ्लशिंग सिस्टम दे दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका आंसर 200 लीटर पर हेड पर डे हो जाएगा, ठीक है। ऑल हैंड ऑपरेटेड पंप्स फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट फॉर ए स्लो सैंड फिल्टर 1.8 से 2.5 होगा और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए 1.3 से 1.7 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, हो सकता है, देखिए पूरा 50 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन भी हो सकता है मिस्टेक हो, आपके हिसाब से कुछ अलग हो, हम यहाँ पे अलग बताए हैं, ठीक है। तो आप दो तीन प्लस माइनस मान ही के चलिएगा, दो से तीन क्वेश्चन ही प्लस माइनस मान ही के चलिएगा कि हो सकता है बीपीएससी से डिफर करे, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर लाइक करिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिए। आप लोग भी, जो लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी अच्छे स्टूडेंट हैं, आप तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आप लोग के अनुसार भी जो अगर आंसर होगा तो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से दीजिएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन